अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सज्जाद अमान, आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। आज हम आपके लिए एक और हैदराबादी डिश लेके आए हैं। बेसिकली डिज़र्ट है और वो है खुबानी का मीठा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है और इसको प्योरली ऑर्गेनिक बना दिया है। तो आइए देखते हैं कैसा बनता है। बनता बहुत आसान है और बड़े मज़े का है, चले हमारे साथ। अच्छा, हमने इसके लिए खुश्क खुबानी लेनी है और उसको रात भर जो है ना डिबो के रखना है। इसके बाद जब वो नरम हो जाएंगी तो सुबह जो है ना हमने इससे जो गिटली है वो गिटली निकालनी है, वो अलग रखनी है, और खुबानी को हमने जो है ना मतलब एक वो सेपरेट कर लेना है। इससे जो पानी निकलता है वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम अलग से ही रखेंगे, इसलिए कि वो इसके बनाने में हमारे काम आएंगी। ये इसे एक एक करके हम सबसे जो है ना ये गुटलियाँ जो हैं ये निकाल लेंगे और वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो अपने साथ ही रखेंगे, इसलिए कि वो हमें फिर उसकी गार्निशिंग के लिए काम आएंगी। इसमें जो हमने ये मतलब एक गिटली से निकाल ली थी वो हमने डाल लिया, साथ में जो इसे इसी का अपना पानी था वो डाला है, और साथ में हमने ये गुड़ का पानी डाला है इसमें, इसलिए कि चीनी हम नहीं डालना चाह रहे थे तो हमने ये गुड़ ही इसमें ऐड कर दिया। तकरीबन अपने जितना मीठा आप पसंद करते हैं उसके मुताबिक। तो ये पानी इतना डाले कि ताकि इसमें ये मज़ीद थोड़ा सा पक भी हो जाए और जो गुड़ से जो फालतू पानी वेपोरेट होगा तो उससे ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। अब जब तक ये बनता है हम इसकी बाकी जो है ना जो गिट्टियाँ हैं उससे जो है ना वो बादाम जो होता है चक्की जो होती है वो हम निकाल लेते हैं। इसको फ़िलहाल हम ये पकने देते हैं। ये थोड़ी देर बाद इसको हम जो है ना ये थोड़ा सा हिला लेंगे। आग जो है ना ये अगर आप देख रहे हैं तो तेज़ी इसलिए कि ताकि इसमें ये पानी जो है ये सूख जाए, इसलिए कि बाकी खुबानी ऑलरेडी जो है ना नरम हो चुकी है। अच्छा, अभी इसको थोड़ी देर बाद ही हमने चेक करना है कि क्या पोजीशन है। तो ये तो काफ़ी जो है ना मतलब ये कि आपका गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी स्टिल जो है ना हमने इसको पकाना है, इसलिए कि अभी भी इसमें काफ़ी पानी है, लेकिन थोड़ा इसको मिक्स करना है। लेकिन देखना है कि मतलब ये बिल्कुल वो मसल ना दें इसको, असल में फिर इसके वो लुक जो है ना उस तरह नहीं आती। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक पक गया है। इसमें हम थोड़ी सी इलायची डाल लेते हैं। इसको इलायची डालने के बाद थोड़ा हम फर्दर मिक्स कर लेते हैं। इलायची से ये होगा कि इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं कि कितना पक है। अभी इसमें थोड़ा टाइम है, थोड़ी सी आग मैंने लो मीडियम कर दी है और इसका ताकि ये ज़रा और भी नरम हो जाए तो उसके लिए हमने रख दिया। इसको देख लेते हैं, पानी काफ़ी हद तक जो है ना इसमें कम हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम जो है ना ये अखरोट डाल लेते हैं, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ हम चूंकि जो हमने खुबानी से जो गिटली निकाली थी उस गिटलियों को हमने जो है ना छील के जो है ना रख दिया था तो वो हमने गिराई नहीं है, तो वो भी इसमें डाल लेते हैं। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, लेकिन इस तरह मिक्स ना कीजिए कि बिल्कुल वो चटनी बन जाए, इसलिए कि जब ये खुबानी साबुत नज़र आती है तो इसका अपना मज़ा होता है। और इस पर थोड़ी देर के लिए फिर हम जो है ना ये ढांक लेते ताकि ये ज़रा पक जाए। अच्छा जी, वाह वाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया है। और हमने इसे सर्व उठा लिया ताकि फालतू पानी जो है ना सही वेपोरेट हो जाए, फिर इसको हम बाउल में डालेंगे। हमने इस पर अब ये आग बंद कर दी है, थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे। ये पुदीने की चटनी और वो भी दही में मिला के, साथ में ये तंदूरी चिकन
और साथ में मस्त किस्म का जो है ना सैलेड। वाह, मतलब ये कि ठीक है यार, आज जो है ना फूड टूर ना ही करो ना, घर पे ही लंच करो ना। ये जो है ना बनी है ज़बरदस्त किस्म की गार्लिक राइस, इसमें जो है ना ज़ीरा डाला हुआ है, कोई बाकी जो है ना एक्स्ट्रा मसाले नहीं और घी तेल वगैरह ही डाला है। तो ये थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं। वाह, जो धुएं उठ रहे हैं उसके साथ जो खुशबू है उसका ज़बरदस्त किस्म का मज़ा ही है। ये थोड़ी सी कुछ है ना इसमें गाजरें और ये सैलेड और ये मस्त किस्म का एक चिकन पीस। वाह, इसका चूँकि वो कोयले का धुआं दिया हुआ है तो वो कोयले का टेस्ट जो है ना अभी तक इसमें है। तो अभी ये देखते हैं इसका जायका, कि जायका कैसा है। ये है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है लेकिन बिल्कुल जो है ना सादा चावल। मज़ा आ गया। ये तो मेरा तो वही फलसफा वही है, घर की दाल मुर्गी बराबर। घर का जो खाना है उसका ही अपना मज़ा है, लेकिन वो भी हफ्ते में दो तीन दफ़ा ही दिन को खाने को मिलता है, बात की तो रात को ही सिर्फ मिलता है ऑफिस में। अब इसके साथ जो है ना ये हमने ये थोड़ी सी जो है ना चिकन लिया हमने, इसको थोड़ा मिक्स किया। लाजवाब भाई। ये थोड़ी सी इसके साथ पुदीने की और हरी मिर्च की और दही की चटनी, इसका फिर अपना ही स्वाद है। अब इसके साथ ये तंदूरी चिकन और ये चटनी, तो ये ज़रा इसके साथ ठंडी भी हो जाती है और आज तो वाकई भाई संडे पार्टी हो गई। अब जो भी घर वाले कहते रहे बाहर लंच ना करो ना, ये जस्टिफाइड है आज। खुबानी का मीठा बन गया है तो अभी इसको थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा है। ये हमारा जो है ना जो खुबानी का मीठा है वो तैयार हो गया। अगर आप देख लें तो बहुत ही खूबसूरत लुक इसकी बनी है। इस पर हमने जो गार्निशिंग की बालाई और उसमें पिस्ता डाला है ऊपर गार्निशिंग के लिए, ये हमने थोड़ा सा अलग किया है। तो अब चेक करते हैं इसका जायका के कैसा है। वागी ज़बरदस्त, और बालाई के साथ जो है ना इसका जो मज़ा है वो और भी ज़बरदस्त हो जाता है। तो मस्ट ट्राई आइटम है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुली ऑर्गेनिक फूड है और कोई इसमें इवन के जो आर्टिफिशियल शुगर, मतलब शुगर को मैं आर्टिफिशियल या प्रोसेस फूड में डाला हूँ तो वो भी इसमें नहीं डाला, इसकी जगह हमने गुड़ इस्तेमाल किया है। मीठा उसके साथ बालाई थोड़ा हेवी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा उम्दा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये मस्ट ट्राई आइटम है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारे चाय अपना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें जो है ना कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।